मिर्जापुर के जमालपुर ब्लॉक के जफर खानी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर शाहिद फैजल पर बच्चों ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने फैजल पर वंदे मातरम और सरस्वती वंदना करने से रोकने का आरोप लगाया है। बच्चों ने कहा कि शाहिद उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से भी रोकते हैं, साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाने पर भी शाहिद फैजल ने रोक लगा दी है। सर जी, हाथ जोड़ने को मना करते हैं नारा लगाने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए मना करते हैं हाथ जोड़ने के लिए। कौन मना करता है? सर जी। कौन सर जी? शाहिद सर जी। स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों ने भी ऐसी ही शिकायत की है। जी बोले थे ना कि हाथ मत जोड़ना और राष्ट्रीय गान मत बोलना। बंधन मातरम बोलना। कौन मना किया था? शायद सर जी। इधर आरोपी हेडमास्टर शाहिद फैजल ने अपने को बेकसूर बताया। फैजल ने कहा कि साजिश करके उन्हें फंसाया जा रहा है और जो भी इल्जाम है बेबुनियाद है और सिर्फ ये हमें फंसाने की कोशिश की जा रही साजिशन, क्योंकि जब से मैं चार्ज में आया हूँ तब से ये ड्रामा हो रहा है। मैं चार्ज में नहीं था तब तो कोई बात नहीं थी, सब ठीक ठाक था। चार्ज में मैं जैसे आया तब से मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, बस चार्ज का मामला है और कोई मामला नहीं। तब ये सब बच्चों को सिखाया गया सर, ये बताया गया मेरे 5 दिन के गैर मौजूदगी में और बच्चों के घर तक गया लोग गए कि ये बताना है ये करना है। और मैं 5 दिन से पहले जब मैं था तब तो कुछ नहीं था, 5 दिन मैं छुट्टी भी चला गया तब तक इन लोगों ने सारे से ड्रामा अपना किया। वहीं मिर्जापुर के बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी ने कहा कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ जांच की गई है। तिवारी ने कहा कि जांच में फैजल के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए हैं। उन्होंने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का भी संदेश दिया। जमालपुर का एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय जाफर खानी, वहाँ की एक अध्यापक की शिकायत आई है। इंचार्ज प्रधान अध्यापक है शाह फैजल, उनकी शिकायत आई है शाहिद फैजल की कि बच्चों के साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं, राष्ट्रगान गाने नहीं देते हैं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बोलने पर उनका प्रतिबंध रहता है। इसके अलावा वो सरस्वती माँ की वंदना नहीं करने देते हैं, भारत माता की जय न बोलने वाले, इस टाइप की शिकायतें आई थी। कल हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा इसकी जाँच की गई है। अभी दूरभाष से वार्ता के क्रम में हमें पता चला है कि शिकायतें सत्य भी पाई गई हैं और हम उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आज वो हमें भी भेजने वाले हैं, उसके बाद हम संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्यों मासूम बच्चे शिक्षक के बारे में झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं। वहीं जांच में भी शाहिद फैजल पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षा विभाग आरोपी शिक्षक के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से बृजलाल मौर्य की रिपोर्ट।